नमस्कार, बॉबी झा MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। 18 साल की होने पर पति के साथ रहने की इच्छा जताने वाली नाबालिग की शादी को हाई कोर्ट ने दी मंजूरी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 56 वर्षीय वकील की एक नाबालिग लड़की के साथ हुई शादी को वैध ठहराया। लड़की ने 18 साल की होने के बाद वकील के साथ रहने की इच्छा जताई। इसके बाद यह फैसला दिया गया न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ से वकील की यह याचिका पर सुनवाई करते हुए गत सप्ताह यह फैसला दिया। याचिका में उसने 14 साल की लड़की से शादी करने के लिए उसके खिलाफ दर्ज बलात्कार के एक मामले को रद्द करने की अपील की थी। शिकायतकर्ता की 2014 में वकील से शादी हुई थी, जब वकील की उम्र 52 साल थी। अपनी शिकायत में उसने आरोप लगाया कि उसके दादा दादी ने उसे शादी करने के लिए मजबूर किया। इसके बाद वकील करीब 10 महीने तक न्यायिक हिरासत में रहा और फिर उसे जमानत पर रिहा किया गया। लड़की 17 दिसंबर 2018 को 18 साल की हो गई, जिसके बाद वकील ने हाई कोर्ट का रुख कर मामले को रद्द करने की अपील की। महिला ने गत सप्ताह हाई कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा कि उसने विवाद सुलझा लिया है और अब वह अपने पति के साथ रहना चाहती है तथा उसे मामला रद्द करने के लिए अपील की। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।